जय श्री कृष्ण। कर्मकांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए घंटी की निशान को भी दबाएं। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी आप पूजा घर में पूजा करते हैं तो सायंकालीन जब भी आप पूजा करें तो दीपक अवश्य घर में जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से हमारे जितने भी पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, घर में सुख संपत्ति का आगमन होता है और शत्रुओं की बुद्धि का विनाश होता है। इसलिए ज़रूर ये दो मंत्र हैं, इन मंत्रों को साथ में अवश्य बोलना चाहिए। ये दीपक की स्तुति होती है, दीपक जलाने के बाद इन स्तुति मंत्रों को अवश्य बोलना चाहिए, ताकि दीपक देवता जो हैं, दीप नारायण भगवान जो हैं, वो हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश करें। तो ये दीपक जलाने के बाद में ये दो मंत्र हैं, ये निश्चित ही आप याद कर लीजिए और सायंकालीन जब भी दीपक जलाएं तो इन मंत्रों को अवश्य बोलिएगा। तो पहला मंत्र है, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा, अथवा आपकी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका समाधान करूँगा। तो पहला मंत्र है, कैसे बोलेंगे, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, सांध्य दीप नमोस्तुते। कैसे बोलेंगे, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, सांध्य दीप नमोस्तुते। इसके बाद दूसरा मंत्र है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरा मंत्र है, शुभम करोतु कल्याण मारोग्यम सुख संपदम। यहाँ कल्याणम आरोग्यम भी बोल सकते हैं और यहाँ कल्याण मारोग्यम भी बोल सकते हैं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर नमोस्तुते। पूरा मंत्र कैसे बोलेंगे, शुभम करोतु कल्याण मारोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर नमोस्तुते। तो ये थे वो दो मंत्र, इन मंत्रों को आप याद कर लीजिए, अपने बच्चों को, परिवार में सबको याद करवा दीजिए, ताकि सभी इन मंत्रों का लाभ प्राप्त कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।